हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कचुम्बर सैलेड। और इसको बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं। ये मैंने वॉश करके एक कुकुम्बर लिया जो कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड है, एक टमाटर फाइनली चॉप, वन ओनियन जो कि फाइनली चॉप्ड रहेगा, चिली जो कि हमारे स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं, ये हम ग्रीन चिली लिया है, मैंने तो एक लिया है पर आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना चिली रह ली सकते हैं। फिर लिया हमने कोरिएंडर, यहाँ हमने लिया सॉल्ट 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने सीजनिंग ली है। सो कचुम्बर सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे कुकुम्बर, देन हम उसमें डालेंगे ओनियन, फिर हम उसमें डालेंगे टमेटोस यानी टमाटर, देन ग्रीन चिली, मैं तो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, देन हम उसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, देन अ पिंच ऑफ सीजनिंग, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून चाट मसाला, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कचुम्बर सैलेड बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इतना ही हेल्दी भी है, तो रोज हम इसे बना के खा भी सकते हैं। और जब ये आपस में मिक्स हो जाए तब हम इसे कोरिएंडर से गार्निश कर देंगे। सो गाइज, हमारा कचुम्बर सैलेड बनके रेडी हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ये बना के ट्राई किया कि नहीं। थैंक यू।